मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई दशकों से बरकरार है। एक सामंतवादी राज्य में पिछड़ों को इकट्ठा कर उनकी सरकार बनाने से लेकर सैफई ब्लॉक में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगाने का सफर न सिर्फ मुलायम सिंह यादव का सफर है, बल्कि यूपी में राम मनोहर लोहिया और मधु लिमये के समाजवाद का भी सफर है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गाँव में 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। युवावस्था में मुलायम पहलवानी करते थे और साथ ही राजनीति विज्ञान में मास्टर्स कर वहीं के कॉलेज में पढ़ाने लगे। वो दौर कांग्रेस का और कांग्रेस के विरोधी समाजवादी नेताओं का था। उसी दौरान लोहिया के समाजवाद और इंदिरा गांधी के धुर विरोधी राज नारायण के विचारों से उनका परिचय हुआ। राम मनोहर लोहिया के सोशलिज्म ने यूपी की राजनीति में कांग्रेस के एक छत्र राज्य को दरकाना शुरू किया था। मुलायम इसके शुरुआती सिपहसालार थे। जसवंत नगर के विधायक नत्थूराम मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु बने। उन्होंने मुलायम को अक्सर देखा था कि वो मास्टरी के साथ समाजवादी आंदोलनों में भी जाते हैं। ये एक बड़ा रोचक कॉम्बिनेशन था, पहलवान बनकर अखाड़े में लड़ना, मास्टरी करना और बाकी समय में समाजवाद के लिए आंदोलन। नत्थूराम का स्वास्थ्य जब पहले जैसा नहीं रहा तो उन्होंने जसवंत नगर की सीट मुलायम के हवाले कर दी और 1967 में मुलायम लोहिया के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1968 में राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी के टिकट पर वो दूसरी बार विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय भी हो गया, नई पार्टी बनी भारतीय लोक दल। लेकिन 1977 में ये पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ बनी जनता पार्टी के साथ मिल गई। तब तक इंदिरा गांधी देश की सबसे बड़ी नेता बनकर उभर रही थी। एक राजनीतिक चक्रवात में फंसने के बाद 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने मुलायम सिंह को भी जेल में डाल दिया था। इमरजेंसी ने देश को कई नए नेता दिए थे, मुलायम भी उनमें से एक थे। 1977 में हुए चुनाव में मुलायम फिर जीते और राज्य सरकार में मंत्री बने। उनको सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस वक्त मजाक भी बना कि गाय भैंसों वाला मंत्रालय मिला है, लेकिन मुलायम ने कोऑपरेटिव, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में बढ़िया काम कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। बाद में जनता पार्टी में फूट हुई और चौधरी चरण सिंह ने 1979 में जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। लोक दल के नाम से नई पार्टी बनी। मुलायम सिंह यादव उनके साथ ही बने रहे। 1980 में मुलायम उत्तर प्रदेश में लोक दल के प्रेसिडेंट बने। 1982 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है जो कालांतर में किंवदंती बन गई। हुआ ये कि एक पारिवारिक समारोह से मुलायम अपने समर्थकों के साथ लौट रहे थे। अचानक एक जगह नाले के पास उन पर गोलियां बरसाई जाने लगी। मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो लोग नेताजी मर गए, नेताजी मर गए चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने से हमलावरों को लगा कि काम हो गया और वो भाग खड़े हुए। इस कहानी की प्रामाणिकता सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही बता सकते हैं, लेकिन यह घटना उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राजनीति को निरूपित करती है। उस वक्त यूपी में वीपी सिंह सीएम थे और उन्होंने डाकुओं को खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस घटना के बाद मुलायम वीपी सिंह के धुर विरोधी बन गए। इस हमले का आरोप मुलायम के विरोधी बलराम सिंह यादव पर लगा। चौधरी चरण सिंह मुलायम को बहुत मानते थे, यहां तक कि उन्होंने मुलायम को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। वो समझ गए थे कि मुलायम की जान को खतरा है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह को सिर्फ सुरक्षा दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने उन्हें यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया था। लेकिन 1987 में चौधरी चरण सिंह की मौत हो गई और विदेश से पढ़ाई करके लौटे उनके बेटे अजीत सिंह ने उनके उत्तराधिकार पर दावा कर दिया। मुलायम सिंह और अजीत सिंह के मतभेदों की वजह से लोक दल टूट गया। मुलायम ने जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। चुनाव लड़ने के लिए जनता दल का गठन हुआ और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष बने।
1989 में विधानसभा चुनाव मुलायम के ही नेतृत्व में लड़ा गया। बहुमत तो नहीं आया, लेकिन गठबंधन करके मुलायम ने 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये दौर ओबीसी आरक्षण से उपजे मंडल राजनीति और राम मंदिर से उपजे कमंडल राजनीति का था। एक तरफ पिछड़े समाज के नेता थे और दूसरी तरफ हिंदुत्व के नारों पर उभरी भाजपा के नेता। यूपी में कांग्रेस तेजी से हाशिए पर जा रही थी। फिर 1990 में जनता दल भी टूट गया और मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर गुट के साथ चले गए। इसको समाजवादी जनता पार्टी कहा गया। इस बीच कार सेवकों पर गोली चलाने वाली घटना हुई और 1991 के विधानसभा चुनाव में मुलायम को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार यूपी में भाजपा की सरकार बनी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। सितंबर 1992 में मुलायम ने समाजवादी जनता पार्टी को भी छोड़ दिया और एक नई पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी। 4 अक्टूबर 1992 को बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने कांशीराम की बसपा के साथ दलित वोटों का समझौता किया। पंजाब के कांशीराम यूपी के इटावा से संसद पहुंचे और मुलायम सिंह सपा बसपा की मिलीजुली सरकार के मुखिया बने। दूसरी बार उस वक्त नारा चल पड़ा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन मुलायम सिंह यादव के इन दोनों कार्यकालों में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो उनके राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा दाग बनकर हमेशा के लिए उनसे चिपक गई। जैसे 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर लाखों लोग अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे। वो लोग बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे, उन्हें कार सेवक कहा जा रहा था। ये बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिसका प्रभाव देश दुनिया में देखने को मिलता। ये कदम भारत के सेकुलर संविधान के खिलाफ था। इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। इस विवादित फैसले के बाद कभी साफ नहीं हुआ कि उस फायरिंग में कितने लोग मरे थे। विश्व हिंदू परिषद ने इसके आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताए और मुलायम को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। मुस्लिम तुष्टिकरण और स्यूडो सेकुलरिज्म जैसे शब्द उभर कर सामने आए। मुलायम ने कभी भी अपने आदेश को लेकर अफसोस नहीं जताया और इसे हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखने का फैसला ही बताया। लेकिन ये गोली चली हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से, अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे, तो एक देश की एकता के लिए वो खतरा कर रहा। और मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा था, माननीय अटल जी 16 जाने तो कम थी, अगर 30 ही जाने जाती देश की एकता के लिए तो 30 को गुवाना पड़ता है। लेकिन यूपी में उनके हिंदू वोट दरक गए थे, जिसका खामियाजा उन्हें 1991 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। मुलायम सिंह यादव के दूसरी बार सीएम बनने के बाद उनके सामने एक नया मोर्चा खुला। 1994 में एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी और हजारों लोग इसके लिए धरना देने दिल्ली जा रहे थे। इस बीच 1 और 2 अक्टूबर 1994 के बीच की रात को पुलिस ने रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कुछ लोगों की जानें चली गईं। खबर आई कि कुछ महिलाओं का बलात्कार भी हुआ है। इसे रामपुर तिराहा कांड कहा गया। इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई, लेकिन मुलायम के करियर में लगा ये दाग कभी धुल भी नहीं पाया। इतने पर भी मुलायम की दुश्वारियां खत्म नहीं हुई। 1 जून 1995 को मुलायम अपने पार्टी लीडर्स के साथ लखनऊ में बैठे थे। उन्हें एक नोट मिला कि बसपा उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने वाली है। इस पर सपा के लोग आग बबूला हो उठे। सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बसपा सुप्रीमो कांशीराम के विश्वास पात्र और जनरल सेक्रेटरी मायावती उसी गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। उन्हें उस दिन पीरियड आए हुए थे और गेस्ट हाउस के बाहर सपा कार्यकर्ता उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, बलात्कार की धमकियां दे रहे थे। हालांकि ये कभी पता नहीं चला कि कार्यकर्ताओं को ये ऑर्डर
किसने दिया और सीएम मुलायम ने उन्हें रोका क्यों नहीं। मायावती ने उस दिन मदद के लिए भाजपा समेत कई पार्टियों के नेताओं को फोन किया। मुलायम की पार्टी की उस दिन बहुत थू-थू हुई। उसी दिन से सपा पर गुंडों की पार्टी का लेबल लग गया। अगले दिन मायावती भाजपा और जनता दल के बाहरी समर्थन से सीएम बन बैठी। इसी के बाद मायावती और मुलायम में ठन गई। मुलायम ने बाद में कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब स्यूडो सेक्युलरिज्म कहा था तभी उन्हें बहुजन दलित एकता का ख्याल आया था और इसीलिए वो बसपा के पास गए गठबंधन के लिए। हाँ, ये बड़ी भूल थी जो तालवे का चुनाव हम लड़े हैं बीएसपी के मेरे, वो हमारी बहुत बड़ी भूल। लेकिन मुलायम की राजनीतिक यात्रा में इससे बड़ा मोड़ 1996 में आया जब एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की केंद्र में सरकार बनी। मुलायम को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। कहा तो जाता है कि एक बार ऐसा मौका आया कि मुलायम पीएम बनने वाले थे लेकिन उनके समकालीन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बनने नहीं दिया। इसके बाद एक और बदलाव आया मुलायम और सपा की राजनीति में। लोहिया के बाद मधु लिमये ने समाजवाद को जिंदा रखा था मुलायम के गुरु के तौर पर। 1995 में लिमये की भी मौत हो गई और संयोगवश उसी साल गेस्ट हाउस कांड हो गया। लगभग उसी साल अमर सिंह राजनीतिक रूप से मुलायम के जीवन में आए। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को अमर सिंह ने कॉरपोरेट का स्वाद चखा दिया। किसानों के बीच रहने वाले धरती पुत्र मुलायम अब उद्योगपतियों के साथ डिनर करने लगे। अमर सिंह को स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, ICICI, बजाज, इन्फोसिस, मणिपाल, सहारा, अपोलो जैसे नाम उत्तर प्रदेश से जुड़ते गए। बॉलीवुड से सितारे आने लगे। महानायक अमिताभ बच्चन को यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक मैगजीन ने इस बारे में अखिलेश को कोट किया है। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा था कि खटिया पर सोने वाले मेरे पिता को अमर सिंह ने 5 स्टार की आदत लगा दी। सैफई 1995 में ब्लॉक बना और वहां पर बाद में बॉलीवुड सेलिब्रिटी सैफई महोत्सव में आने लगे। उधर भाजपा में कल्याण सिंह के विद्रोह के बाद यूपी में सपा और बसपा ही मुख्य पार्टियां रह गईं। 2002 में तीसरी बार मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने लेकिन तीसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो साइकिल पर घूमने वाले नेता नहीं रह गए थे। अब की उनके शपथ ग्रहण में उद्योगपति और बॉलीवुड के सितारे आए थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि संजय दत्त को समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। समाजवाद की प्रयोगशाला बन गया मुलायम का करियर। उसके बाद से भले ही समाजवादी पार्टी में मुलायम की तूती बोलती रही लेकिन राजनीति में एक तरह से उनका निर्वासन ही हो गया। 2007 में बसपा से मायावती बहुमत से सीएम बनी। 2012 में सपा की सरकार आई लेकिन मुलायम बैकग्राउंड में ही रहे। फिर 2017 विधानसभा चुनाव से पहले परिवार में जब मतभेद हुए और उनके बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल ने पार्टी तोड़ दी तो समझ में आ चुका था कि मुलायम की पकड़ कमजोर हो चुकी है। आज हमारा कोई सम्मान नहीं और शायद ही मेरे मरने के बाद हमारा सम्मान। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वह जिस व्यक्ति को भी एक बार देख ले उसका नाम कभी नहीं भूलते। अब देखना ये होगा कि यूपी की जनता उन्हें कब तक याद रखती है। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर JioSaavn, गाना, एप्पल, iTunes और Spotify पर।